ये इंडिया की पहली है जो अब तक इसने किसी ने इतना काम नहीं करा इंडिया में। अगर आप लोगों के पास पुरानी फॉर्च्यूनर है और आप चाहते हो ना बिल्कुल नई फॉर्च्यूनर बनवाने के लिए, भाई हमने सिग्मा बनाया ना, लेजेंडर नहीं बनाया, सिग्मा बनाया। कुछ किट्स तो कंप्लीट थाईलैंड से इंपोर्ट होकर आती है। इसके अंदर बोनट चेंज होता है, ठीक है, हेडलाइट चेंज होती है, बिल्कुल फेंडर चेंज हुआ है, ओके, डोर्स भी हमने चेंज करे हैं, एवरीथिंग इज वर्किंग वर्किंग। ऑल्सो डिटेल मुझे बताइए क्या क्या चेंजेस होते हैं, क्या किट आती है, क्या नंबर देना चाहोगे काम को लेकर। 10 out of 10। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। बिल्कुल स्वागत करता हूँ अपनी ब्रांड न्यू वीडियो और बिल्कुल ब्रांड न्यू गाड़िया, मतलब गाड़िया तो पुरानी है लेकिन इनको बनाने वाले हैं हम बिल्कुल ब्रांड न्यू। अब ब्रांड न्यू कैसे बनाने वाले हैं वो मैं बताता हूँ भाई। जैसे ये वाली गाड़ी देख रहे हो, ये हमारे पास दिल्ली से आई है, ये वाली देख रहे हो पंजाब से आई है, और ये वाली जैसा देख रहे हो ये वाली गाड़ी आई है हमारे पास महाराष्ट्र से। अब ये आई तो है, इनमें होना क्या है मैं बताता हूँ आप लोगों। ये हमारे पास जो ओल्ड मॉडल फॉर्च्यूनर आई है, बिल्कुल जो टाइप 1 आती थी, टाइप 2 आती थी, इसको हम करने वाले हैं फॉर्च्यूनर लेजेंडर में बिल्कुल प्रॉपर्ली कन्वर्ट। तो ज्यादा ही नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को और मिलवाते हैं अपने ओनर जो कि यहाँ के रहने वाले हैं गौरव मोटर्स पे, गौरव भाई से, लेट्स गो। तो भाई लोगों जैसा देख रहे हो आज वीडियो हमारे साथ रहने वाले मिस्टर गौरव, कैसे हो आप? बहुत बढ़िया, आप बताओ कैसे हो? बहुत बढ़िया। कैसी रही ट्रिप सबसे पहले बताओ? बहुत अच्छी रही, बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया। तो यार देखो, गौरव भाई के साथ हमारी ये चौथी या पांचवी वीडियो, लेकिन जो हम फॉर्च्यून कन्वर्जन आपको दिखा रहे हैं, जो कि आपने इंस्टाग्राम पे कितना प्यार दिया, 6 million अप्रोक्स वीडियो गई है हमारी और अभी भी चल रही है, इट्स गोइंग ऑन, इट्स गोइंग ऑन ऑलरेडी। तो अब जैसा देख रहे हो भाई, हमारे पास जो ये फॉर्च्यूनर आई है, मैंने जैसे बताया था ये दिल्ली से आई है, ये पंजाब से आई है, और वो अपनी महाराष्ट्र से आई, राइट? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। तो गौरव भाई आप मुझे बताइए कैसे कैसे कन्वर्जन हम करेंगे, कैसे कैसे सब कुछ रहेगा? देखिए अगर हम इस पे यहीं से चलते हैं, ये बिल्कुल हमारे पास नागपुर की गाड़ी आई है, बिल्कुल, और इसमें हमारी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है कि हम पूरी कन्वर्ट करना चाहते हैं लेजेंडर में, ठीक है। हम इसके फ्रंट और बैक तो हमने अभी तक करी है, इसके अलावा हम इसमें क्वार्टर पैनल चेंज करेंगे जी, इसके डोर्स चेंज करेंगे, इसके इंटीरियर डोर पैड्स चेंज करेंगे, सीट्स, कवर, रूफ, ये सारी चीजें इसमें करेंगे करेंगे। जैसा आपने इससे पहले वाली वीडियो में देखा था, उसके अंदर हमने सिर्फ ना आउटर का जितना भी एरिया होता है, बाहर से हमने लेजेंडर बनाई थी उसको, फ्रंट और बैक करा था, उसके अंदर हमने क्वार्टर पैनल भी चेंज नहीं करे थे। एग्जैक्टली। तो और इस गाड़ी में हम आपको पूरी जो जो जितने भी व्यूअर्स ने पूछा था जी कि डोर्स का क्यों नहीं करा या क्या है रीजन, तो इसमें हमारे पास बजट का इशू भी नहीं है, तो ऑफ कोर्स हम इस गाड़ी में पूरा प्रॉपर करके दिखाएंगे। बिल्कुल, और कोशिश करेंगे आप लोगों ना डिटेल में सब कुछ समझाने की, हम जल्दी जल्दी से आपको इसलिए बता रहे हैं। हम फटाफट से दूसरी गाड़ी पे आते हैं, इसके अंदर हम क्या क्या करने वाले हैं गौरव जी? इसके अंदर भी सेम वही कन्वर्जन है, लेकिन जी वो हम बना रहे हैं लेजेंडर किट, ठीक है, इसको बना रहे हम सिग्मा में, सिग्मा में, ठीक है, ये अपनी सिग्मा वाली सिग्मा मॉडल आया हुआ है, हम इसको सिग्मा में कन्वर्ट करेंगे। बिल्कुल, बट इसमें डोर्स, क्वार्टर पैनल इसमें भी हम चेंज कर रहे हैं। बिल्कुल, अभी मैं आपको बताऊंगा कि इसमें किट्स वगैरह क्या क्या इस्तेमाल होती है, पहले मैं इसके बारे में और बात कर लेता हूँ। अब ये थर्ड वन अपनी जो ये कहाँ से आई है, दिल्ली से, नंबर देख के आप लोगों को बता रहा हूँ, दिल्ली से जैसे आई है, ये क्या क्या हो रहा है इसके अंदर? इसके अंदर हम देखो आप इस वीडियो में हमारे व्यूअर्स को ना सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, बिल्कुल, लेजेंडर, ओल्ड टू लेजेंडर, लेजेंडर सिग्मा, सिग्मा, और ये ओल्ड टू टाइप 3, टाइप 3, तो हम इसमें टाइप 3 मॉडल बना रहे हैं, तो ये भी ऑप्शन हमारे व्यूअर्स को, सारी चीजें हम क्या कर सकते हैं, कैसे करेंगे, वो धीरे धीरे आपको इस वीडियो में पूरा कंप्लीट मेकओवर पता लग जाएगा। एग्जैक्टली। अब मैं आपसे बिल्कुल छोटी सी बात जानना चाहता हूँ, जब भी हम कोई भी कन्वर्जन करते हैं फॉर्च्यूनर का, उसमें क्या क्या किट्स कहाँ से आती है, क्या क्या हम चीजें एक्स्ट्रा डालते हैं उसके अंदर? देखिए उसमें कुछ किट्स तो कंप्लीट थाईलैंड से इम्पोर्ट होकर आती है। एग्जैक्टली। पर उसके अलावा भी बहुत मेहनत है, बहुत चीजें हमें अरेंज करनी पड़ती है, क्वार्टर पैनल्स अरेंज करने पड़ते हैं, बिल्कुल, इसके डोर्स अरेंज करने पड़ते हैं, मशीन्स, हिंजेस, कुछ चीजें हैं जो कि टिपिकल हैं, बट हाँ ऑफ कोर्स इफ वी आर डूइंग तो वी विल हैव टू डू। एग्जैक्टली राइट। ये हम चीजें ऑलरेडी हमारे पास स्टॉक में पड़ी हुई हैं और हम कर ही रहे हैं ऑलरेडी। बिल्कुल। अब जैसे यहाँ पे ना हमारे गौरव जी ने बताया, अब मेरे पास ना एक बहुत ही छोटी सी कमेंट है जो बार बार रिपीट हो रही है कि हम कन्वर्जन कर रहे हैं पूरी गाड़ी, हमने बिल्ड क्वालिटी खराब कर दी, ये खराब कर दिया, उसका मुझे बता दो आप एक बार। बिल्ड क्वालिटी कैसे खराब हो सकती है आप ये बताएं जी। बोनट जो लगता है हमारे हिंज पे लगता है, बिल्कुल, हिंज इसका भी हम चेंज करते हैं, उसका भी थे, उसका सेम भी हिंज है, बिल्कुल, सिर्फ और सिर्फ हमने कुछ भी ऐसी कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर रहे जिससे हमारा हम चेसी पे इफेक्ट पड़ रहा हो, बिल्कुल, चेसी से हम कुछ छेड़खानी कर रहे हो, बिल्कुल, सिर्फ इसके हेडलाइट सपोर्ट चेंज होते हैं जिसमें हेडलाइट टाइट होती है, मतलब ये वो वाली बात होगी जैसे कि हम जिम जा रहे हैं तो हम जिम में जाके ना मसल्स बना लेते हैं अपनी, तो हमने जो अपनी मसल्स है वो ऐसी है, हमारे जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो वही रहेगा लेकिन मसल्स जो हमारी ग्रो हो जाएंगी। मेन बस हमारा इसके अंदर खाली हेडलाइट सपोर्ट चेंज होती है, किसी को इस चीज में डाउट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बिल्कुल, कि हमारी गाड़ी इसमें कोई बिल्ड क्वालिटी खराब हो जाएगी, बिल्कुल इशू आएगा कल को,
बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं है इसमें। बिल्कुल ठीक बात है। देखिए पहला जो आपका जो सबसे मेन पॉइंट था वो छोटा सा पॉइंट था लेकिन क्लियर हमने किया। हाँ हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल है। देखो मैं चाहता हूँ बिल्कुल सारी चीज क्लियर हो, लोगों को पता होना चाहिए कि हाँ ऐसे ही नहीं कि हम कोई बहुत ज्यादा मेजर छेड़छाड़ कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा कोई काम हम इसमें कंप्लीट नहीं कर रहे। बिल्कुल। और इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास इंटीरियर में क्या क्या ऑप्शन आ सकते हैं? सीट भी चेंज होती है क्या? होता है सीट कवर्स चेंज करेंगे और सीट कवर्स भी जो लेजेंडर वाला आता है वही सेम पैटर्न में सीट कवर डालेंगे हम इसमें। ठीक है। डोर पैड्स भी डालेंगे लेजेंडर वाले ही, कंप्लीट डोर पैड्स चेंज करेंगे इसके अंदर जी, टाइप थ्री वाले। और रूफ क्लोथ चेंज करेंगे, अपर से रूफ रैप करेंगे, अलॉय स्पिन करेंगे, तो ये सब चीजें। और हाँ जो किसी कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है कि नहीं मुझे तो लेजेंडर के अलॉयज भी चाहिए, वो भी हमारे पास अवेलेबल। बिल्कुल। अब जैसे पिछली वाली वीडियो में ना दो चीजें रह गई थी, एक तो जैसे अपना अलॉय उन्होंने चेंज नहीं करा था, उनका बजट नहीं था जैसे उन्होंने मुझे बताया जी, था जी, जी। और दूसरा क्या था भाई, जो अपनी रूफ रेल है, अब इसमें पुरानी वाली रूफ रेल है, न्यू वाली रूफ रेल भी डल जाएंगी? हाँ बिल्कुल डलेंगे ना, इनमें गाड़ियों में नई वाली रूफ रेल भी डलेंगी, फुट स्टेप भी डलेंगे, साइड स्टेप भी डलेंगे, सारा इनमें प्रॉपर आप एक्सटीरियर से लेके इस गाड़ियों में। तो मैं आपको 100% जब ये तैयार होगी तो कोई बाहर से नहीं कह सकता कि ये लेजेंडर है या नॉर्मल कार है, बिल्कुल, क्योंकि इसमें मेरे को कस्टमर ने पूरा अप्रूवल दे रखा है कि मेरे को बाहर से जो करना है आप करिए, अलावा चेंज करना करिए और मेरे को लेजेंडर चाहिए, तो वो वी विल डू दैट। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी जैसे हेडलाइट्स टेल लाइट्स वगैरह जो भी हम चेंज करेंगे, कुछ वारंटीज भी आपने मुझे बताई थी। हाँ बिल्कुल है, इन जो भी हम पार्ट्स लगाएंगे बेसिकली वारंटी के लिए, हमारे एक हेडलाइट ऐसा पार्ट है जिसमें वारंटी की रिक्वायरमेंट रहती है। बिल्कुल, क्योंकि वही खराब हो सकती है, वो खराब हो सकती है, तो उसके लिए हम 2 इयर्स की वारंटी देंगे। एक्जेक्टली। और हम पेंट की भी वारंटी देते हैं कि अगर जैसे कोई चिपिंग हो गई, पील ऑफ हो गया कोई पेंट, तो उसकी भी 5 इयर्स की वारंटी रहती है। बिल्कुल। डलनेस आ गई बहुत जल्दी, तो उस चीज में हम पूरी सपोर्ट है हमारी। बिल्कुल। 16 इयर्स से हम काम कर रहे हैं तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम हर तरह से लेते हैं। बिल्कुल। आज जो डेट है वो है अपनी 5 अगस्त, और अब मुझे आप ये बताइए कितने टाइम में तीनों गाड़ी एक साथ रेडी हो जाएंगे? हम देखिए टारगेट तो हमने कस्टमर से लेके चला है 1.5 महीने के अप्रोक्स, 1.5-2 महीना। बिल्कुल। लेकिन मेरा जो टारगेट है पर्सनल, 1-1.5 महीने के बीच में हम इन तीनों गाड़ियों को कंप्लीट कर दें। तो 1-1.5 महीने के अंदर हम पूरी गाड़ी कन्वर्ट कर देंगे तीनों की, मैं बता रहा हूँ। अगर कोई भी कस्टमर आता है एक गाड़ी लेकर, हम मान के चले 15-20 सितंबर तक हम तीनों गाड़ियां ये हमारी रेडी होंगी भाई। 15-20 सितंबर तक रेडी हो जाएंगी। आप ना वीडियो को स्किप मत करना, जो जो अब जो आप इसके बाद देखोगे, जो जो इनमें कन्वर्जन होने वाला है, जो जो चीज चेंज होती है, छोटे छोटे पार्ट्स, वो हम आप लोगों को इसके अंदर अब जो दिखाने वाले हैं। फिर जब पूरी एक बार गाड़ी कंप्लीट हो जाएगी, पूरा जो अंदर का बाहर का इंटीरियर आउटीरियर जो भी एक्स्ट्रा है सब दिखाने वाले हैं, कैसे कैसे करा वो सब। एक्जेक्टली। तो मिलते हैं। ऑलराइट, बिल्कुल मिलते हैं आपसे थोड़े दिन बाद। जैसा देख रहे हो गाड़ी हो चुकी है कंप्लीट और गौरव भाई हमारे साथ है। कैसे हो गौरव भाई? बहुत बढ़िया, बता कैसे? मैं भी एकदम बढ़िया, सेम जगह सेम सब कुछ रहने वाला है, लेकिन क्या चेंज हुआ है? गाड़ी चेंज हुई है। तो अभी जैसा देख रहे हो भाई, ये हमारे पास पंजाब से आई थी, वैसे हमने उस दिन दिखाई थी 3 गाड़ियां। हाँ जी। अभी दोनों गाड़ियों में काम चालू है, इसको अभी बाद में दिखाएंगे, पहले वो बता देते हैं जिनमें काम चालू है। तो थोड़ा सा मैं अपने भाई को बोलना चाहूंगा, तो देख सकते हो एक तो यहाँ पर खड़ी है, इसके अंदर अभी वर्क इन प्रोग्रेस है, right? और एक जो है उधर खड़ी हुई है जो हमने तीनों एक साथ फ्रेम में दिखाई थी। पार्किंग है। ठीक है ठीक है ठीक है।
एक जैसा देख सकते हो, एक खड़ी है वहां पर भी। ये अभी इस पे वर्किंग चल रही है, वो कंप्लीट बॉडी लाइन से कंप्लीट हो गई है। हाँ, मतलब बॉडी लाइन का मतलब है कि जो जितना भी आउट वाला हिस्सा था, आउटर बॉडी, आउटर, वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। अभी इसकी मैं बात करूं तो इसके अंदर हम पूरे इंटीरियर भी करने वाले हैं। इसके अंदर हम सब कुछ कर रहे हैं, इंटीरियर के साथ साथ हम इसकी सीट्स चेंज करेंगे, लेजेंडर वाली डालेंगे, ट्राई कर रहे हैं इसमें डैशबोर्ड भी चेंज कर रहे हैं, ठीक है, ट्राई कर रहे हैं इसमें हाइड्रोलिक शॉकर्स भी डालेंगे। तो मतलब कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ कर रहे हैं हम। बिल्कुल, मतलब अगर डैशबोर्ड चेंज हो जाता है तो वन इन ओनली इन इंडिया बोलेंगे हम, ये करना है फिर। अभी भी बोल रहे हैं कि हमने जो अभी गाड़ी रेडी करी है ये भी वन एंड ओनली इंडिया है। बिल्कुल, क्योंकि इंडिया की पहली सिग्मा कन्वर्ट हुई है। बिल्कुल, तो बिना किसी देरी के फटाफट से वापस से अपने कंटेंट पे चलते हैं, मतलब अपनी गाड़ी पे चलते हैं। जो हमारे पास पंजाब से हमारे कस्टमर आए थे, वीडियो देकर आए थे, इतनी मेहनत हुई है इसके पीछे। एक मतलब बताया क्या, अभी आप लोगों को लग रहा होगा ये गाड़ी ऐसी बन गई है, लेकिन इसके जो पीछे की मेहनत है वो पूरे पूरे एक महीने की, सुबह से लेके शाम तक की मेहनत है, रात तक की भी, रात तक की, क्योंकि भाई तो रात को भी काम कराते हैं। बिल्कुल, तो बिना किसी देरी के फ्रंट से स्टार्ट करते हैं। गौरव जी मुझे ये बताइए, हमने फ्रंट में क्या क्या चेंजेस किए हैं, क्या क्या एडिशनल चीजें लगी इसके अंदर? हमने इसका हेडलाइट यूनिट, टाइम मेंबर, इसके बोनट, इसके बम्पर, ग्रिल्स, लोगोस आगे के, क्योंकि ग्रिल चेंज होती है तो ग्रिल का लोगो भी इसमें, ओल्ड में छोटा था इसमें बड़ा आ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, प्लस फेंडर्स, मतलब कंप्लीट इसमें हमने पूरी चेंज कर दी है जी, जिसमें कि हमने फर्स्ट टाइम इसके डोर्स भी अटेंड करे हैं। ठीक है, तो अब आप लोगों को मैं थोड़ा इन डिटेल में समझाता हूँ। तो गौरव भाई आप थोड़ा सा इधर आ जाइए, अब मैं एट द बैक ऑफ द कैमरा आ गया हूँ, अब मैं आप लोगों को थोड़ा हो सकता है ज्यादा अच्छे से समझा पाऊँ, राइट? बिल्कुल ठीक। बिल्कुल बिल्कुल, तो फ्रंट से बात करते हैं, इन डिटेल मुझे बताइए क्या क्या चेंजेस होते हैं, क्या किट आती है, क्या क्या एडिशनल इसमें लग से लगता है? इसके अंदर बोनट चेंज होता है, ठीक है, हेडलाइट चेंज होती है, बिल्कुल, इसकी बेजिंग क्रोम की, इसकी ग्रिल, ठीक है, लोगो, ओके, और इसकी स्कर्ट, ठीक है, इसके फॉग लाइट्स, बिल्कुल, डीआरएल, ये नीचे सब चीजें चेंज होती हैं इसके अंदर। ये देखिए भाई, फ्रंट से जो जो चीजें चेंजेस होती हैं आपकी, जो ओल्ड वाली शेप में नहीं आती हैं, इसको भाई हमने सिग्मा बनाया ना, लेजेंडर नहीं बनाया, सिग्मा बनाया, ठीक है, सिग्मा 4 जिसको बोलते जी, 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 ओके ओके ओके। तो फ्रंट से कुछ गाड़ी का जो लुक है अपना ऐसा, बाकी आप लोगों ने सिनेमेटिक्स देखे होंगे कैसे कैसे काम हुआ वो दिखा होगा। अब हम आ जाते हैं अपने गौरव भाई को लेके साइड में, तो साइड से बात करते हैं, हमने फेंडर्स वगैरह और व्हील आर्क वगैरह क्या क्या चेंज किया इसके अंदर? इसके अंदर व्हील आर्क ये तो चेंज हुआ है, ये ओके, इसके अंदर फेंडर्स चेंज हुआ है, ओके, डोर्स भी हमने चेंज करे हैं, ठीक है, इसके फुटस्टेप्स चेंज करे हैं, बिल्कुल, इसके रूफ रेल चेंज करी है हमने। वाओ, मतलब जो हमने इससे पहले जो करी थी उसके अंदर हमने रूफ रेल चेंज नहीं करी थी, फ्रंट और बैक से ही करा था, उसमें डोर्स भी चेंज नहीं करे थे। इसके अंदर डोर्स चेंज हुए हैं? डोर्स भी चेंज हुए हैं, डोर्स आप देखिए हमने कंप्लीट टाइप 3 के लेटेस्ट वाले, इसको बोलते हैं ओम फोर दुर्राटे काट रही हो है। ये इंडिया की पहली है जो अब तक इसने किसी ने इतना काम नहीं करा इंडिया। बिल्कुल बिल्कुल, तो जैसा देख सकते हो भाई, जिनको इंग्लिश में बोल देते हैं डोर पैनल्स, हम हिंदी में बोलते थे गत्ते, गेटों के गत्ते भाई, मैं तो मेरे सारे जितने भी मेरी फैमिली जुड़ी सब एकदम बहुत बढ़िया समझ जाएगी मेरी बातों को। तो ये देख सकते हो डोर पैनल्स है, हिंदी में बोल देते हैं डोर के जो गत्ते हैं, देख सकते हो वो कुछ ऐसा लुक दे रहे हैं। ये अपना जो फॉर्च्यूनर के अंदर आता है न्यू शेप वाला, न्यू शेप में जब चेंज हो गई थी तो उसमें यही आता है, ठीक है। और मैं बात करूं ये जितना भी डोर है ये पूरा चेंज है, डोर बिल्कुल चेंज है, डोर के साथ ग्लासेस भी चेंज है, ग्लास भी देखिए हमने टिंटेड वाले जो कंपनी से ओरिजिनल आते हैं, ठीक है, ग्रीन टोन में जो आते हैं वही लगे हैं, टोयोटा ओरिजिनल है, आप इसकी बैजिंग भी देख सकते हैं टोयोटा की इसमें। ये देखिए भाई इफ पॉसिबल यस, ये देख सकते हो आपको बैजिंग आ रही है प्रॉपर, सीरियल नंबर वगैरह सब कुछ आ रहा है, तो कोई भी ऐसा काम नहीं है कि आफ्टर मार्केट हो, टोटल ओरिजिनल टोयोटा। बिल्कुल, मैक्सिमम इसमें हमने सारी चीजें, बस कुछ पिलर लाइट्स या रिफ्लेक्टर है ये आफ्टर मार्केट है, अदरवाइज हमने मैक्सिमम टोयोटा या तो हमने किट डाली है तो इम्पोर्टेड थाईलैंड डाली है। बिल्कुल बिल्कुल, तो हमने कोशिश करते हैं कि ओरिजिनल चीज दें और विद वारंटी, विद वारंटी दें। अभी मैं बात करता हूँ ये पीछे का जो क्वार्टर ग्लास है ये कैसे जोड़ा, क्या किया इसके साथ, यही तो काम है, ये काम है, ये नहीं बताएंगे कैसे किया, यही तो काम है। तो मैं एक बार इसको खोल के थोड़ा सा आप लोगों को दिखा देता हूँ इन डीप, तो देख सकते हो यहाँ पर आप ना फिनिशिंग देखो, मतलब यार पता नहीं लग रहा यार इतनी सफाई कैसे, आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद है बड़ों लोगों का यार, मतलब कर पा रहे हैं इन सब चीजों को। बिल्कुल, ये देख सकते हो आप प्रॉपरली कहीं से 00 फिटिंग के साथ आपको आ रहा है, और ये रूफ ब्लैक की है, ये हमने ब्लैक करी है, देखिए भाई ब्लैक अपनी, और वो भी जो ये कपड़ा है वेलवेट वाला, ओके ओके ओके, वेलवेट अपना फैब्रिक अपना रहने वाला है रूफ का। इंटीरियर की बात करें तो इंटीरियर में सीट कवर्स आपने लगाया, सीट कवर लगाया, ओके ओके, सो आई विल शो यू द क्वालिटी ऑफ सीट कवर्स, देख सकते हो आप, ये देखो भाई फुल्ली बकेट है, इसके अंदर फैब्रिक कौन सा इस्तेमाल किया आपने? नापा, ओके ओके, तो नापा लेमिनेशन भी बोल देते हैं, राइट? जी, जी, यस यस यस। तो अभी मैं अंदर का पूरा एक प्रॉपर दिखाने वाला हूं, उससे पहले हम रेयर पे आ जाते हैं। रेयर में मुझे एक बार गौरव जी बताइए क्या क्या चेंजमेंट हुई है अपने यहाँ पर? रेयर में हमने देखिए ना इसमें पिलर लाइट्स और ये टेल लाइट्स इसकी चेंज करी है। हाँ जी, इसका
ये बहुत मुश्किल है कि डिग्गी इसकी फिट करना जी। तो हमने कंप्लीट डिग्गी भी डाली है विद रियर वाइपर। रियर वाइपर इज वर्किंग 100% वर्किंग। ओके ओके ओके। सो किसी को एक बार बोल दीजिए, मैं एक बार इसको चला के भी दिखा देता हूँ। पहले क्या था, एक ना मैं आपको थोड़ा सा सजेशन दूंगा, जैसे इसका जो अपना साइलेंसर है ये ऐसे ही है या लुक चेंज किया इसका थोड़ा थोड़ा सा हमने डाउन करा है। ठीक है, ताकि क्योंकि गाड़ी में टच हो ना होकर इसका जो हमने जब फर्स्ट टाइम गाड़ी करी थी ना, हाँ हाँ हाँ, तो उसमें हमें एक कंप्लेंट उसी वक्त इमीडिएट हमने थोड़ा ट्रायल लिया तो हमें कंप्लेंट आई थी कि ये हीटअप हो रहा था। ठीक तो है, हमने इसकी थोड़ी सी पोजीशन थोड़ी डाउन कर दी है, सो दैट अफकोर्स करके ही सीखते हैं हम भी कुछ, ये भी हम जो भी कर रहे हैं तो फर्स्ट टाइम ही कर रहे हैं इंडिया में, कोई भी अपने घर से नहीं सीखता है, धीरे धीरे पता लगता है। तो हमने जो फर्स्ट टाइम करी थी वो भी गाड़ी, वो भी किसी ने डिग्गी नहीं डाली थी अभी तक। हाँ जी बिल्कुल, वो हमने डाली, अब उसके बाद हमने उससे कुछ सीखा, उसके बाद हमने इसको अटेंड करा है, वो भी मतलब पूरी कन्वर्ट करी है। बिल्कुल बिल्कुल। अब जो अपना रेयर का लुक है कुछ देख रहे हो वो ऐसा है, बाकी अगर मैं चाहूँ कि मुझे बस सिग्मा 4 है, अब मेरे को रूफ ना ग्लॉस ब्लैक करानी है, वो भी कर दो। ये तो छोटी चीज है, तो छोटी चीज है, जब ये तो हम ये देखो, ये देखो यार, मतलब ऐसी कोई नहीं है, हमने सिर्फ लगाया ही है, एवरीथिंग इज वर्किंग वर्किंग ऑल्सो द, ये जो पानी है वो भी इसमें आ रहा है यार, ये देखो प्रॉपरली वाइपर के थ्रू, ये देखो भाई ये होता है एकदम, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। और एक बार ना मुझे इसकी डिग्गी और खोल के दिखा दीजिए रेयर से कि वो कैसे सब कुछ फिटमेंट हुई है। ये देखिए क्या बात है, मतलब हाइड्रोलिक्स वगैरह सब कुछ प्रॉपरली यहाँ पे। यस यस यस, ये देखो भाई कुछ जो पीछे से लुक है गाड़ी का वो ऐसा है भाई। और सबसे बढ़िया बात है इसके अंदर ना जैसे हाइड्रोलिक्स है तो इसमें ऑटोमेटिक वाले आते हैं, क्या वो भी इंस्टॉल हो सकते हैं? हाँ कोशिश कर रहे हैं, हमारी कोशिश करेंगे कि हमारी नेक्स्ट गाड़ी में हम वही दिखाएंगे। ठीक है, कि हम इसमें डैशबोर्ड और हाइड्रोलिक चोकर्स ट्राई कर रहे हैं, अगर हुआ तो ऑफ कोर्स हम करके देंगे। प्रैक्टिस में एक मैन परफेक्ट वाली कहानी yes, हो रही है। yes, 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 yes. बिल्कुल। तो साइड का लुक कुछ ऐसा है, फ्रंट का लुक मैंने आप लोगों को दिखा दिया है, अब बारी है हमारे कस्टमर से मिलाने की, हमारे अब तो कस्टमर नहीं रहा, हमारी फैमिली से मिलाने, फैमिली से बिल्कुल, बिल्कुल। उससे पहले मैं ना एक चीज दिखाना चाहता हूँ, मुझे ना एक बार थोड़ा सा ना इसकी जो लाइट्स वगैरह उनका थ्रो वगैरह चेकआउट करा दीजिए। और सो गौरव भाई एक बार इसको चालू करा दीजिए, मेरे हेडलाइट्स वगैरह अपने डीआरएल वगैरह इनकी वर्किंग भी दिखा देता हूँ। बिल्कुल, हेडलाइट चालू करना, ये देखिए। तो ये कुछ अपनी जो हेडलाइट का लुक है फ्रंट से, भाई मैं कह रहा हूँ कि अगर आप लोगों के पास पुरानी फॉर्च्यूनर है और आप चाहते हो ना बिल्कुल नई फॉर्च्यूनर बनवाने के लिए, भाई गौरव भाई मजा आ गया, हैट्स अप, थैंक यू सो मच। बिल्कुल, अब ये देखो प्रॉपरली अपना जो डीआरएल इसमें नीचे आता है ये वर्किंग है, प्रॉपर जो फॉग लैंप है वो वर्किंग है। और मैं ये जानना चाहता हूँ इसके अंदर जो एलईडी है वो इनबिल्ट आती है या फिर आफ्टर मार्केट है कैसे? ये सिग्मा की हेडलाइट में ऐसी आती है। अच्छा अच्छा, इनबिल्ट एलईडी आती है उसके अंदर। ओके ओके, सो देख सकते हो नीचे अंडरबॉडी लाइट्स भी लग गई है, जो की भाई शाम में अगर आप मेरी तरह शाम में वीडियो बनाने मजा आता है तो भाई बहुत मजा आएगा, सही बात है। जी, जी, जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो कुछ काम हो गया, ये अब हमने तो अपने काम की तारीफ करी है और करनी भी चाहिए जब इतनी मेहनत करी है, लेकिन हमें मजा जब आएगा जब हमारे जो ओनर है जिन्होंने काम कराया इस काम के लिए ना, मैं हकीकत बोल रहा हूँ इस काम के लिए ना बहुत बड़ा दिल में जिगरा चाहिए। नहीं आप सब लोग प्यार देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, तो हमें भी मजा आता है करने के लिए। बिल्कुल, हर तरह से ऑल ओवर इंडिया से आप लोग मेरे को सपोर्ट कर रहे हो। बिल्कुल, और करना भी चाहिए यार, इतनी मेहनत कर रहे हैं उसके लिए, मेरे को भी और ज्यादा अप्रिसिएशन मिलती है कि नहीं वी शुड डू मोर एंड मोर एंड मोर। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। और मैं ना ये बोल रहा था, मैं पहले अपने जो है ना जो गाड़ी के ओनर उनको बुला लेता हूँ, उनके साथ ही बात करते हैं। सो इस वक्त जैसा देख रहे हो हमारे जो गाड़ी के ओनर हैं, अब हमारी फैमिली बन चुके हैं। सबसे पहले सरदार जी कैसे हो आप? बहुत बढ़िया। और सरदार जी आप कैसे हो? बढ़िया। बिल्कुल अच्छा लगा बिल्कुल सुन के। और मैं ये जानना चाहता हूँ आप इतनी दूर से आए, पहले ये बताइए कहाँ से आए? अमृतसर से। अमृतसर, तो जैसा मैं सरदार जी बता रहे हैं आप नाम भी बता दीजिए मुझे। जशनदीप सिंह। अक्षयदीप। जशनदीप। ओके ओके, तो भाई का नाम है जशनदीप। तो जशनदीप भाई ये बताइए मुझे, अभी आपकी गाड़ी में ओवरऑल सब कुछ काम कंप्लीट है, थोड़ी बहुत टचिंग का थोड़ा रहता है वो भी कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ मेरे को भी थोड़ा लेट हो रहा है, अभी टाइम भी देख सकते हो तो 6:30 हो गया, तो मेरे को भी जाना है, वो आप कराते रहना। तो अब मुझे भैया ये बताइए अभी तक जितना भी काम हुआ है जैसे भी हुआ है आपको कैसा लग रहा है? वो बढ़िया लगा है। आपने जैसा सोचा था वैसा ही काम है या वैसा नहीं है? उससे भी बढ़िया है, उससे अच्छा है, उससे बेकार है? नहीं उससे बढ़िया ही। ओके ओके ओके, तो देखो मैंने तो आपको नहीं बोला कि ऐसा बोलना आप वीडियो में, जो भी है रियलिटी आप बता रहे हैं। सो ये तो मजाक वाली बात हो गई। और एंडिंग में मैं जानना चाहूंगा कि आपकी ओल्ड वाली फॉर्च्यूनर थी जी, जी, आपने न्यू फॉर्च्यूनर में कन्वर्ट कराई, तो मतलब इतना जिगरा आता कहां से है? ये सिर्फ ना पंजाबी में हो सकता है ये। नहीं वो वीडियो देखा था गौरव भैया का, बढ़िया लगा काम। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, तो सोचा कि कोई दिक्कत नहीं है करा ले। बिल्कुल बिल्कुल, तो काफी सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि ये लोग कौन है जिनके अंदर इतना जिगड़ा है, फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ी को कटवा देते हैं, इतना ज्यादा वो है। बट स्टिल आप देख सकते हो गाड़ी का लुक, मतलब ये लग रही है, आप भी वहां जाके दिखाओगे ना भाई बोलेंगे ये है कुछ काम बंदा करा के आया है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी ना लास्ट में मैं जानना चाहूंगा रेटिंग्स, उसके बाद ये गाड़ी और खड़ी उसके बारे में बात करेंगे मैं और गौरव भाई।
तो मुझे बताइए आप हमारे मेहनत और गौरव भाई की मेहनत से रिलेटेड 10 में से कितने नंबर देना चाहोगे काम को लेकर? 10 out of 10 अगर मैं बोलूं 10 में से ज्यादा देना है 10 out of 11 लगा लो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो ये देख लो बिल्कुल आपके सामने रेटिंग्स है, 10 में से 11 भी दी है अगर मैं बोल रहा हूँ ज्यादा देनी है, और 10 में से 10 तो हमारे सरदार जी ने दी है बिकॉज ऑफ दी वर्क में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसके बाद भी गारंटी वारंटी तो है ना सारे काम की? 100% ओके ओके, सो थैंक यू सो मच, बिल्कुल बिल्कुल थैंक यू सो मच। सो यहाँ पर गौरव भाई हमारे जो सरदार जी थे, हमारे जो फैमिली बन चुके इस टाइम, हमारे जो ओनर थे गाड़ी के, उन्होंने प्रॉपर अच्छा रिव्यू दिया, मुझे बहुत खुशी हुई। अब देखो अभी भी पीछे खड़े हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, गाड़ी में जो भी छोटा मोटा काम रहा था वो अब कर रहे हैं क्योंकि मेरे को निकलना है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मेरे को भी जाना है और भी गौरव भाई को भी बहुत सारे काम होते हैं। तो गौरव भाई ये हमारे पास एक और खड़ी है, इसमें क्या हुआ था, कैसे है, क्या सीन है? ये एक्चुअल में मुंबई से आई है गाड़ी हमारे पास, ये वाली? हाँ जी हाँ जी। ओके, और इन्होंने 3 महीने पहले कहीं से 5-6 लाख रुपए खर्च करके दोबारा से कुछ काम कराने के लिए आए, यही सेम काम कराने आए, वहाँ पर उनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिली। ठीक है, सेटिस्फेक्शन क्यों नहीं मिली? कन्वर्टेड है ये? कन्वर्टेड है। ओके, ये किसी ने करी हुई है, क्यों नहीं मिली मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, मुझे बताइए जरा एक बार। ये बोनट अभी बंद है, ये बंद है, और ये देखिए ये कैसा बंद है, ये देखिए ना ये पूरा बंद है। नहीं ये तो नहीं है वो चीज जो होनी चाहिए। तो ये देखिए गैप, अब इसकी वजह से क्या हो रहा है, इसकी हेडलाइट नीचे है। ठीक है, और पूरे रास्ते कह रहे हैं कि मेरे को हेडलाइट दिख ही नहीं रहा, दिख ही नहीं रहा, मतलब थ्रो ही खत्म हो गया उसका। और ये ना तो लेजेंडर में रही, ना ये फॉर्च्यूनर में, ना फॉर्च्यूनर। ये देखिए इसमें शेप देखिए, ये किस तरह से जा रही है। हाँ। और इधर देखिए, मतलब ये तो अंदर को जा रही नहीं करा यार, ये ना ये मुझे नहीं लग रहा है सही। अब देखो आपके सामने ना, अभी देखो वो खड़ी हुई है, ठीक है, और यहाँ पर अपनी ये खड़ी हुई है जो कहीं और से होके आई है, तो यही फर्क है। मैं इसीलिए मेन ये है कि देखिए काम हर कोई करता है और टाइम लगता ही है करने में काम, कई चीजों में इनकी पेंट की क्वालिटी बहुत अच्छी है जी, तो मैं उसको प्रेज करता हूँ। ठीक है, पर कई चीजों में क्या होता है कि पैसे भी ले लिए जाते हैं जी, और काम वो जी नहीं मिलता जो कि होना चाहिए, होना चाहिए। इससे तो बेटर कन्वर्ट ही ना करी जाए। बिल्कुल, मतलब वही अपनी पुरानी ओल्ड स्कूल वाली वही चलाए जी जी जी। ओके 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 ओके, सो बिना किसी देरी के अब वीडियो को करते हैं क्या, समाप्त करते हैं, एंड करते तो हैं। गौरव भाई सबसे पहले तो आपका मोबाइल नंबर तो ऑलरेडी आ ही रहा है, डिस्प्ले पे शो अप हो रहा है, इंस्टाग्राम हैंडल भी आ रहा है। ठीक है गौरव भाई, बाकी थोड़ी सी एक दो क्वेरीज जो है, अगर कोई भी कस्टमर आता है आपके पास और बोलता है कि मेरी वीडियो देखी तो क्या उसको डिस्काउंट मिलेगा? बिल्कुल डिस्काउंट मिलेगा, और हम 1 साल की वारंटी देते हैं हेडलाइट पे, तो हम 1.5 साल की वारंटी देंगे। और बताइए, और ऐसा होता है कि देखो हमने जो पहली करी थी उसके अंदर ना गेट चेंज नहीं किया, इसके अंदर गेट चेंज किया, अब हम वो वाली करने वाले हैं, उसके अंदर क्या, उसके अंदर सब कुछ कोशिश करेंगे, डैशबोर्ड भी चेंज करेंगे, कमिट नहीं कर रहा लेकिन हम बहुत मेहनत करते हैं दिन रात, तो लगे हुए हैं कि क्या पता हम उसको भी चेंज कर दें। बिल्कुल, और एक और क्वेरी जो हमारे कस्टमर बार 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 ला रहे थे कि भाई गाड़ी कटवा रहे हो तुम, चेचिस कट जाएगा। हाँ, ये मैं थोड़ा सा क्लियर कर, मैं इस चीज के लिए बताता हूँ, हम इसके अंदर चेसिस से कोई छेड़खानी नहीं करते। ओके, सिर्फ और सिर्फ हेडलाइट जिस पे टिकती है उसकी फैब्रिकेशन उसके टाइम में अंदर को रिप्लेस करते हैं। ठीक है, और उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता आपकी गाड़ी के, किसी भी चीज पे इम्पैक्ट नहीं आता कि आपकी बिल्ड क्वालिटी कोई लो हो जाए या कुछ भी हो जाए। ओके, आपकी मेन चेसिस सेम ही रहती है। ओके, तो आप इस चीज से बिल्कुल निश्चिंत रहें कि आपको कभी भी इस चीज के लिए दिक्कत रहेगी। और हाँ, मुझे बहुत अच्छा प्यार और सपोर्ट मिल रहा है आप लोगों का जी, हर ऑल ओवर इंडिया, हर सिटी से जी, तो जी, मैं जी. उनको ये कहना चाहता हूँ, मैं हमने बनारस, लखनऊ जी, पंजाब, बहुत लोगों की डेली चेंज कर रहे हैं लेजेंडर किट्स जी, तो मैं बस ये कहना चाहता हूँ हम पूरा सपोर्ट दे सकते हैं, एक दिन में ही पूरी कन्वर्ट करके दे रहे हैं गाड़ियाँ। हाँ जी, बस आप हमें इतना करा सपोर्ट करें कि आप जब भी आए, एक दो कस्टमर्स के साथ ऐसे हुआ कि बिना कॉल करे सडन आ गए, वो तो हमें भी बुरा लगता है कि हम और काम कर रहे हैं और उनको वेट करा रहे हैं। तो आप प्लीज कॉल करके एक दिन पहले हमें बताएं, या कम से कम एक दिन पहले तो बताएं, दो दिन पहले बताएंगे तो बहुत अच्छा है, ये होना भी चाहिए। राइट, कुदरती अभी मेरे पास किट्स मैं ऑलरेडी मंगा के रखता हूँ, पर कभी कभी नहीं होती अवेलेबल, तो आपका टाइम वेस्ट ना और हमें भी ना अच्छा लगे कि आपको वेट कराना पड़े, तो प्लीज कॉल करके आया करें। बिल्कुल ठीक बात है, तो बिना किसी देरी के आज की वीडियो के इतना ही रहेगा, मैंने आपको सारी डिटेल्स बता दी, जो भी पॉसिबल हो सकता है वो बता दिया, उसके बाद भी कोई भी डिटेल आपको चाहिए तो आप गौरव भाई को इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, आप गौरव भाई को डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, 24/7 गौरव भाई गाड़ी की ए से लेके जेड तक, फॉर्चुनर ही नहीं सारी गाड़ियों में डील करते हैं। कुछ भी, हाँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जैसे अगर अभी ना हम और भी कुछ लाने वाले हैं, अभी रिवील नहीं कर रहा, वो नेक्स्ट वीडियो में करने वाला हूं, जो बहुत अच्छी अच्छी चीजें आने वाली है, लाइक एक जो भाई का प्रोजेक्ट खड़ा है, भाई बताओ कौन सी गाड़ी तैयार हो रही है? मर्सिडीज C300 कैबरले, जो की इंडिया में कितनी है? बहुत ही कम है, रेयर गाड़ी है, बहुत रेयर गाड़ी है। बिल्कुल,
तो इसी के साथ करते हैं वीडियो को एंड। थैंक यू सो मच गौरव भाई। थैंक यू आपका ऋषभ जी, आपने स्पेशली टाइम निकाला, एक घंटा हमें दिया, वेट करा एक दो घंटे, सॉरी उसके लिए, लेकिन अच्छा लगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो भाई लोगों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, जब तक के लिए बाय 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 बाय। We'll be right back.